वेलकम टेंथ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा जो मैथमेटिक्स का जो क्लास चल रहा था वही क्लास का फिर क्लास नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। इसके बारे में हम पहले से दूसरे वीडियो भी हम जारी किए हैं। इसका एक लास्ट वाला है 3.5 का इक्वेशन रिड्यूसेबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। द इक्वेशन सूच रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे सारे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इस सारे बारे में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तब तक के लिए देखते रहिए डीबी प्रोडक्शन बीजीएच, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा कर रखिएगा, क्योंकि जो नया नया वीडियो आपके पास आएगा इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जल्दी। तो हम शुरुआत करते हैं इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब इसका कारण है द इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो फॉर्म में नहीं है, जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम जो बहुत सारे तरीका हमको चार प्रोसेस हमको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस और ग्राफिकल मेथड, जो भी हमको सरल लगेगा इसी तरीका से हम कर सकते हैं। जिसको जो सरल लगे इसी सबसे वो करेंगे, इसमें कोई प्राबंधी नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है कि वही रूल से करो, ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नियम से हम कर सकते हैं। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, 2 by x फर्स्ट एग्जांपल प्लस 3 by y दिस इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट है 4y माइनस 4 by y दिस इक्वल्स टू -2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट 1 by x इक्वल्स टू p ले सकते हैं, a b ले सकते हैं, a लेते हैं, 1 by y इक्वल्स टू b लेते हैं। तो फर्स्ट इम्प्लस क्या होगा, 2 by x 2 into 1 by x मतलब 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, थर्ड। सेकेंड इम्प्लाइज क्या होगा, सेकेंड इम्प्लाइज 5a माइनस 4b इक्वल्स टू -2 5b। अब ये दोनों को किसी भी रूप से कर सकते हैं, मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूशन में ये एलिमिनेशन में करेंगे, एलिमिनेशन में वो दीजिए होगा क्योंकि ये इसमें 4 इंटू करेंगे, इसमें 3 इंटू करेंगे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड इंटू 4 प्लस क्या होगा, 4 2 जाए 8a प्लस 4 3 जा 12b इक्वल्स टू 13 4 जा 52। आई भी इम्प्लाइज सॉरी इंटू 3 करेंगे, 3 5 जा 15a माइनस 3 4 जा 12b इक्वल्स टू -6। ये क्या होगा, 8a प्लस 15, ये प्लस 12b माइनस 12b ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, 8a प्लस 15a 23a दिस इक्वल्स टू 52 माइनस 6 ये हो गया 12 माइनस 6 हो गया 46 हो गया। तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 46 by 23 दिस इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2 हो गया, a इक्वल्स टू 2। तो इसको क्या करेंगे, a का वैल्यू किस में लगाए देंगे, थर्ड में लगा देंगे, सो थर्ड इम्प्लाइज क्या होगा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, 2 into a into 2 प्लस 3b इक्वल्स टू 13, 4 plus 3b इक्वल्स टू 13, 3b इक्वल्स टू
13 माइनस 4, 3b इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 9 बाय 3, ये इंटू वाई डिवाइड होगा इक्वल्स टू 3। तो a इक्वल्स टू अगर 2 हो गया तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1 बाय x, 1 बाय x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 1 बाय 2 हो गया। ये क्या हो गया, b इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज b का कितना है 1 बाय y, 1 बाय y इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 1 बाय 3। इसी रूप से हम ये जो क्वेश्चन हो गया इसको पहले हम लीनियर इक्वेशन बना दिए, लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं, और एक क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल सेकंड, एग्जाम्पल दो दे रखा है, 5 बाय x माइनस 1, 5 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय y माइनस 2 प्लस 1 बाय y माइनस 2, दिस इक्वल्स टू 2। फर्स्ट हो गया, सेकंड है 6 बाय x माइनस 1, 6 बाय x माइनस 1 प्लस माइनस 3 बाय y माइनस 2, माइनस 3 बाय y माइनस 2, दिस इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हो गया। हम देखते हैं इधर x माइनस 1 है, इधर एक y माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू a, 1 बाय y माइनस 2 इक्वल्स टू b। क्या हुआ, फर्स्ट इम्प्लाइज 5a प्लस b दिस इक्वल्स टू 2, सेकेंड इम्प्लाइज 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, थर्ड 5a। अब देखेंगे दोनों को, लीनियर इक्वेशन बन गया, हम क्या करेंगे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें अगर 3 इंटू करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, क्या होगा थर्ड इंटू 3, मतलब क्या होगा थर्ड इंटू 3, 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6, IV प्लस सीधा IV लिखेंगे, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, ये माइनस 3 प्लस 3 भी एलिमिनेट हो गया, 15a प्लस 6a कितना होगा 21a इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7 बाय 21 इक्वल्स टू 1 बाय 3। एक का वैल्यू किसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, तो 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, 5 a कितना हुआ, ए हो गया 1 बाय 3 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो 5 बाय 3, तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी इक्वल्स टू 2 माइनस 5 बाय 3, दिस इक्वल्स टू 3, एलसीएम हो गया 6 माइनस 5, बी इक्वल्स टू 1 बाय 3, इक्वल्स टू 1 बाय 3, b इक्वल्स टू 1 बाय 3 हो गया, a इक्वल्स टू 1 बाय 3, b इक्वल्स टू 1 बाय 3, तो क्या होगा a इक्वल्स टू अगर 1 बाय 3 हो गया, a इक्वल्स टू 1 बाय 3, तो a का वैल्यू कितना हुआ, a का वैल्यू हम लेते हैं 1 बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय 3, तो क्या हुआ x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 हो गया, x माइनस 1 इंटू 1, x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 हो गया, x इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4 हो गया, x इक्वल्स टू कितना हुआ 4। नेक्स्ट क्या होगा b इक्वल्स टू 1 बाय 3, तो b का वैल्यू कितना है 1 बाय y माइनस 2, दिस इक्वल्स टू 1 बाय 3, सेम हो जाएगा y इक्वल्स टू 5 बन जाएगा, तो क्या होगा
एक्स इक्वल्स टू फोर, वाई इक्वल्स टू फाइव। इस रूप से हम किसी भी प्रश्न अगर इस तरीका से दिया होगा, हम इस यही तरीका से पहले हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो इजी हो जाएगी। नेक्स्ट देखा दे रखा है कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम के हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दे रखा है ए बोट गोज 30 किलोमीटर upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and the boat in the still water. Upstream, जब upstream जाता है क्या होता है, मान लीजिए हम जो मांगता है हमको क्या करेंगे, इसका जो हम तो टू वेरिएबल्स है, हम दो टू वेरिएबल लिख सकते हैं। Let the speed of boat, boat equals to speed of boat be x kilometer per hour and speed of speed of stream b y किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो बोट है, बोट कितना होगा, x किलोमीटर पर आवर में जाता है, और स्ट्रीम क्या होता है, y किलोमीटर पर आवर में जाता है। जब क्या होता है, अपस्ट्रीम जाता है, अपस्ट्रीम जाता है तो स्ट्रीम इधर जा रहा है, बोट इधर जा रहा है, तो क्या होगा, बोट का स्पीड जो है, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड करेंगे तो इतना ही से वो आगे जाएगा, स्ट्रीम नीचे नीचे लग के जाएगा, बोट आगे आगे चलता रहेगा। तो क्या कैसे होगा, तो इसका स्पीड, बोट का स्पीड कितना होगा, बोट का स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो आगे बढ़ पाएगा, अगर स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा होगा, बोट का स्पीड कम होगा तो क्या होगा, स्ट्रीम इसको नीचे नीचे लेते जाएगा। ये चीज़ को ध्यान देना होगा, जब अप स्ट्रीम होगा तो बोट का जो हमको ध्यान में रखना होगा, जो बोट का स्पीड स्ट्रीम का स्पीड से ज़्यादा है, क्योंकि वो अपस्ट्रीम जा सकता है, अगर बोट का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा क्या होगा, स्ट्रीम इसको नीचे लेके चला जाएगा। जब डाउनस्ट्रीम होगा क्या होगा, स्ट्रीम का जो स्पीड है और बोट का स्पीड है, दोनों को प्लस हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, इसका स्पीड कितना होगा, अपस्ट्रीम स्पीड होगा एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम इक्वल्स टू अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई होगा, डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जब अपस्ट्रीम होगा तो एक्स माइनस वाई होगा, डाउनस्ट्रीम होगा एक्स प्लस वाई होगा, डाउनस्ट्रीम होने से दोनों तो एक तरफ चले जाए तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या होगा, ये बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितना होगा, ये इतना स्पीड में अपस्ट्रीम में जाता है 30 किलोमीटर, इसका स्पीड इतना है, तो उसका टाइम कितना होगा, हमको टाइम निकलता है ना, टाइम क्या होता है, हम जानते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, b इक्वल्स टू s बाय t होता है, तो स्पीड होता है, जो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो इधर टाइम आ जाएगा, इधर स्पीड आ गया, b इक्वल्स टू s बाय t होता है, अगर t आ जाएगा t इक्वल्स टू s बाय v होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देते हैं। तो क्या होगा, टाइम फास्ट के फास्ट में जो आता है, फास्ट में क्या होगा, इन फास्ट केस, फास्ट केस में क्या होता है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा, अपस्ट्रीम का कितना होगा, इसका टाइम कितना लगेगा, 30 बाय डिस्टेंस 30 किलोमीटर बाय स्पीड कितना है, एक्स माइनस वाई प्लस, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम नहीं गया, फिर क्या हुआ, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया,
जब 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है? डाउन स्ट्रीम का स्पीड एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 44 बाई स्पीड, स्पीड कितना है एक्स प्लस वाई। ये दोनों टाइम अपस्ट्रीम गया 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम आया 44 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया 10 आवर्स। इसको ध्यान रखना होगा, ये चीज अगर बना पाएंगे तो क्वेश्चन आंसर हम बना सकते हैं। 30 किलोमीटर इसमें मालूम चलता है 30 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दिस इक्वल्स टू 10 आवर्स, क्योंकि डिस्टेंस ये टाइम है, एक तो टाइम आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड दोनों टाइम बन गया, दोनों टाइम मिला के 10 आवर्स हो गया। ये फर्स्ट केस में ये हो गया 10, ये फर्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट रखा है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम मीन्स एक्स बाय एक्स माइनस वाई प्लस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर 55 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13 हो गया, सेकेंड हो गया। इसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेट 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए, 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी करेंगे तो क्या होगा 30 ए प्लस 44 बी इक्वल्स टू 10, ये बन गया 40A प्लस 55B इक्वल्स टू 13 बन जाएगा, ये बन जाएगा थर्ड आई बी। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे 44 और 55 का करेंगे 11 4 जा 11 5 जा 20 20 11 220, ये 44 और 55, 11 4 जा 5 जा 220, ये बन बन 220। तो क्या उसमें, इसमें क्या इंटू करेंगे 5 इंटू करेंगे, इसमें 4 इंटू करेंगे तो थर्ड इंटू 5 क्या होगा 150 प्लस 5 220 बी इक्वल्स टू 5 10 50, आई बी इंटू क्या करेंगे 4 4 160 ए प्लस 220 बी इक्वल्स टू 52। अब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस होगा तो क्या होगा, ये हो गया माइनस ए, ये तो एलिमिनेट हो गया, दिस इक्वल्स टू माइनस 2, एक्वल्स टू 2 बन गया, एक्वल्स माइनस एक्वल्स माइनस 2, एक्वल्स टू 2 बन गया। तो इसमें लगा देंगे 30 इंटू ए, 30 इंटू 2 प्लस 44 बी इक्वल्स टू 10, 44 बी इक्वल्स टू 10 माइनस 60, हो गया 5 160 ए, सॉरी ये हो गया सॉरी ए माइनस 10 ए, थोड़ा सा गलती हो गया। तो इसका क्या करेंगे, थोड़ा सुधार लेंगे हम, इसको मैं एक तो जीरो छोड़ देता, माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वल्स टू 10 ए इक्वल्स टू 2 हो गया, ए इक्वल्स टू 2 बाय 10 इक्वल्स टू 1 बाय 5। अब ए का वैल्यू लगा देंगे 30 इंटू 1 बाय 5 प्लस 44 बी इक्वल्स टू 10 क्या होगा 6 प्लस 44 बी इक्वल्स टू 10, दिस इंप्लाइज 44 बी इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 बाय 44 इक्वल्स टू 1 बाय 11।
वन बाय इलेवन। तो मान लीजिए क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू हम लिए हैं वन बाय एक्स माइनस वाई, वन बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन बाय फाइव, जिसमें मिला एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फाइव, वन बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन बाय इलेवन, जिसमें मिला एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू इलेवन। तो इसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू इलेवन, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फाइव। इसमें थोड़ा आप लोग लिखे होंगे, अब क्या करते हैं इसको हम आगे फिर थोड़ा कर देते हैं, तो हम फिर से एलिमिनेट करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू इलेवन, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फाइव, तो प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट हो गया, टू एक्स इक्वल्स टू सिक्सटीन, एक्स इक्वल्स टू एट हो गया। तो क्या होगा, एट प्लस वाई इक्वल्स टू इलेवन, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल्स टू इलेवन माइनस एट इक्वल्स टू थ्री। तो क्या हम निकला, एक्स इक्वल्स टू एट, वाई इक्वल्स टू थ्री, ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर, हम सॉल्व कर चुके। इसी रूप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज आएंगे। एक्सरसाइज का भी जो नंबर है इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है वन बाय टू एक्स प्लस वन बाय थ्री वाई इक्वल्स टू टू, वन बाय टू एक्स प्लस वन बाय थ्री वाई इक्वल्स टू टू, वन बाय थ्री एक्स प्लस वन बाय टू वाई, वन बाय थ्री एक्स प्लस वन बाय टू वाई, दिस इक्वल्स टू थर्टीन बाय सिक्स। तो क्या करते हैं, वन बाय थ्री एक्स फर्स्ट में दे रखा है, वन बाय टू एक्स और इसमें वन बाय थ्री एक्स रखा है, तो क्या करेंगे, वन बाय एक्स इक्वल्स टू ए, वन बाय वाई इक्वल्स टू बी लेते हैं। तो फर्स्ट इंप्लाइज क्या होगा, ए बाय टू प्लस बी बाय थ्री इक्वल्स टू टू हो जाएगा, सिक्स सिक्स बाय थ्री ए प्लस टू बी इक्वल्स टू टू, थ्री ए प्लस टू बी इक्वल्स टू ट्वेल्व हो गया, थर्ड ट्वेल्व हो गया। इसी रूप से ये करेंगे, सेकेंड इंप्लाइज क्या होगा, क्या होगा, वन बाय थ्री ए बाय थ्री प्लस ए बाय टू इक्वल्स टू थर्टीन बाय सिक्स, ए सिक्स आ गया, क्या होगा ये सिक्स टू ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टू थर्टीन बाय सिक्स, ए सिक्स सिक्स एलिमिनेट हो गया, जिसमें टू ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टू थर्टीन आई बी। अभी दोनों को देखेंगे उसमें क्या करें, इसमें थ्री इंटू करेंगे, इसमें टू इंटू करेंगे, थर्ड इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन ए प्लस थ्री टू जा सिक्स बी इक्वल्स टू ट्वेल्व, थ्री जा थर्टी सिक्स आई वी इंटू टू, टू टू जा फोर ए प्लस टू थ्री जा सिक्स बी इक्वल्स टू थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स, माइनस इधर माइनस इधर माइनस होगा, ये हो गया फाइव ए इक्वल्स टू टेन, ए इक्वल्स टू टेन बाय फाइव इक्वल्स टू टू हो गया। ए का वैल्यू लगा देंगे, ए का वैल्यू लगा दे किसमें, इसमें तो क्या होगा, थ्री इंटू फाइव सॉरी थ्री इंटू टू प्लस टू बी इक्वल्स टू ट्वेल्व हो गया, सिक्स प्लस टू बी इक्वल्स टू ट्वेल्व, टू बी इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस सिक्स इक्वल्स टू सिक्स, बी इक्वल्स टू सिक्स बाय टू इक्वल्स टू थ्री हो गया। तो ए का जो टू हो गया, ए का वैल्यू कितना है, दिस इंप्लाइज हम किसको ले लें, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू हो गया, बी इक्वल्स टू थ्री, बी का वैल्यू कितना है, वन बाय वाई, वन बाय वाई इक्वल्स टू थ्री, वाई इक्वल्स टू वन बाय थ्री आंसर। इसी रूप से हम आप लोग भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा जो बाकी जो इजी है उसको मैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो जैसे इसमें थर्ड का है आप लोग कर सकते हैं, बी का है, बी का थोड़ा कर देंगे, अभी जो है सेकंड का मैं कर देता हूँ,
सेकंड का जो रूट है इसको थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, मैं थोड़ा देखता हूँ। इसको आप लोग आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता हूँ। 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई, 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई दिस इक्वल्स टू 2, 4 बाय रूट एक्स प्लस माइनस 9 बाय रूट वाई माइनस 9 बाय रूट वाई दिस इक्वल्स टू माइनस 1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो इसमें एक्स रूप से दे रखा नहीं है, हमको रूट एक्स रूप में दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, हम क्या करेंगे, लेट 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू ए, 1 बाय रूट वाई इक्वल्स टू बी ले जाते हैं। अभी इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए, फर्स्ट इंप्लाइज क्या होगा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और सेकेंड इंप्लाइज क्या बन जाएगा, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 1, थर्ड 5b इस रूप से बन जाएंगे। हम क्या करेंगे इसमें, अगर 3 इंटू कर देंगे तो 9b बन जाएगा, थर्ड इंटू थ्री इंप्लाइज क्या होगा, 3 2 6a प्लस 3 3 9b इक्वल टू 3 2 6, और आई वी इम्प्लाइज डायरेक्टली आई वी लिखेंगे, 4a माइनस 9b दिस इक्वल टू माइनस 1। अब क्या होगा, ये प्लस 9b माइनस 9b डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, 6a प्लस 4a हो गया 10a दिस इक्वल टू 6 माइनस 1 हो गया 5, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 5 बाय 10 इक्वल टू 1 बाय 2 हो गया। a का वैल्यू किस में लगा देंगे, थर्ड में, तो क्या होगा, 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 2 1 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, तो 3b क्या होगा, 3b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दिस इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय 3, तो a इक्वल्स टू 1 बाय 2, तो a का वैल्यू कितना है, 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू 1 बाय 2, रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एक्स इसका स्क्वायर कर देंगे 4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, बी इक्वल्स टू 1 बाय 3, तो दिस इम्प्लाइज 1 बाय रूट वाई इक्वल्स टू 1 बाय 3, रूट वाई इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 9 बन जाएगा, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 9 आंसर हो गया। तो इस रूप से आप लोग इसका हल निकाल सकते हैं। जो इसका थर्ड का दे रखा है इसको भी आप लोग आराम से कर पाएंगे। आई वी का भी है 5x-1 प्लस 1y-2, हम इसी प्रकार एग्जाम्पल किए हैं, वो एग्जाम्पल जो दे रखा है एग्जाम्पल 2 का, इसको देख के आप लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट भी का मैं कर देता हूँ। बी का क्वेश्चन दे रखा है 7x-2y by xy दिस इक्वल्स टू 5, ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड दे रखा है 8x+7y by xy दिस इक्वल्स टू 15। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें एक्स वाई दे रखा है, हम क्या करेंगे, 7x/xy फर्स्ट इंप्लाइज 7x/xy माइनस 2y/xy इक्वल्स टू 5, एक्सेस हो गया 7y माइनस 2y इक्वल्स टू 5। इसमें क्या करेंगे, लेट
ये बन गया थर्ड, लास्ट में लेंगे एट एक्स सेकेंड, इम्प्लाइज क्या होगा एट एक्स बाय एक्स वाई प्लस सेवन वाई बाय एक्स वाई दिस इक्वल टू 15, जिसमें क्या होगा एट बाय वाई प्लस सेवन बाय एक्स दिस इक्वल टू 15। आई भी लेट क्या करेंगे वन बाय वाई इक्वल्स टू ए, वन बाय एक्स इक्वल्स टू बी, तो क्या होगा थर्ड, थर्ड क्या होगा 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5, बी हो गया इसका। आई भी बस क्या होगा, आई भी क्या होगा 8a प्लस 7b दिस इक्वल टू 15, भी आई बन गया। अब क्या करेंगे भी और भी आगे देखेंगे 2b और इधर 7b है, इसमें क्या करेंगे इधर 7 इंटू करेंगे इधर 2 इंटू करेंगे भी इंटू 7, 7 7 जा 49, 49a माइनस 7 2 जा 14b इक्वल टू 7 5 जा 35, भी आई इंटू 2, 2 8 जा 16a प्लस 2 7 जा 14b इक्वल टू 30, क्या होगा 9 6 15 1 4 1 5 1 65 a, इधर एलिमिनेट हो गया दिस इक्वल्स टू 65 बन गया, a इक्वल्स टू 65 बाय 65 दिस इक्वल टू 1, ये का वैल्यू 1 हो गया, एक का वैल्यू इधर लगा देते हैं 7 इंटू 1 माइनस 2 बी इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 बी, 2b बी इक्वल्स टू 2 हो गया, 2b ये 2 बन गया दिस हमारा b इक्वल्स टू 1 हो गया, तो a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1, लेकिन a तो हम आंसर है नहीं ना, तो हम किसको ये लिख रखा है a इक्वल्स टू 1 दिस मतलब 1 बाय y इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू 1 तो 1 बाय x इक्वल्स टू 1 दिस मतलब x इक्वल्स टू 1 आंसर हो गया, तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 इसका वैल्यू निकल गया, तो आप लोग आराम से निकल सकते हैं, तो ये भी काम कर दिया, भी आई का भी आप लोग आराम से कर सकते हैं इसी तरीका से, जो एक्स वाई है बाय एक्स वाई बाय एक्स वाई बाय एक्स वाई करेंगे, जैसे 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, इसमें क्या करेंगे बाय एक्स वाई बाय एक्स वाई करेंगे क्या होगा 6 बाय वाई प्लस 3 बाय एक्स इक्वल्स टू 6 बन जाएगा, इस तरीका से बन जाएगा, तो 1 बाय एक्स इक्वल्स टू ए ले सकते हैं, इसी हिसाब से आप लोग करेंगे, तो इसमें जो आराम से इसमें हो जाएगा, इसमें जो भी सेकेंड आई है 10 बाय एक्स प्लस वाई प्लस ये भी एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस वाई को ए लेंगे, 1 बाय एक्स माइनस वाई को बी लेंगे, तो इसमें भी बन जाएगा। इसमें जो भी थर्ड आई है 1 बाय 3x प्लस वाई इक्वल्स टू ए लेंगे, 1 बाय 3x माइनस वाई को बी लेंगे, तो ये भी बन जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं इसको आप लोग करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा कोई नंबर अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये हमारा यूट्यूब का जो कमेंट है, यूट्यूब का जो कमेंट है उसमें कमेंट करेंगे आप लोग, तो हम क्या करेंगे इसको जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हमारा जो व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब में है उसको व्हाट्सअप में नंबर में आप लोग अब छोड़ेंगे तो ज़रूर हम इसका भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आते हैं लास्ट फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, प्रॉब्लम को मैं उसमें इस प्रकार इक्वेशन बना दूंगा, इक्वेशन बनाने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करते हैं कर सकते हैं, तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या आता है। तो कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को क्या करेंगे हम इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट देखा है ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड द स्पीड इन द करेंट, लेट द वाटर एंड रोइंग द ऋतु स्पीड, लेट
स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स टू एक्स किलो सॉरी वाई किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि ऋतु का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, हम पहले से इसी प्रकार क्वेश्चन दे रखे हैं। जब अपस्ट्रीम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपस्ट्रीम जाएंगे इसका स्पीड क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। जब डाउनस्ट्रीम आएंगे इसका स्पीड क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बन जाएगा। डाउनस्ट्रीम जब होगा एक्स प्लस वाई बन जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में ऋतु कैन रॉ डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाएगा। जब डाउनस्ट्रीम में जाएगा 20 किलोमीटर्स क्या होगा इसका स्पीड, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, टाइम इक्वल्स टू हम क्या किए थे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम क्या होगा फर्स्ट केस में, जब क्या हुआ डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर्स टाइम 2 आवर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर्स बाय स्पीड, स्पीड कितना है x माइनस वाई, जिसमें मिला क्या हुआ 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10 बन जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम, 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर्स 2 आवर्स, 2 इक्वल्स टू 4 बाय एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 बन गया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। सॉरी फर्स्ट डाउन स्ट्रीम है, सॉरी फर्स्ट डाउन स्ट्रीम जब है ये एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 होगा और ये एक्स माइनस वाई होगा, ये अप स्ट्रीम है तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब क्या करते हैं, एक्स प्लस ये हो गया एक्स, ये सेकेंड हो गया, इसको तरह कन्फ्यूज मत रहिएगा, इसमें दे रखा है डाउन स्ट्रीम, ये फर्स्ट केस में डाउन स्ट्रीम है, जब डाउन स्ट्रीम का है एक्स प्लस वाई तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स 20, इसका अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में क्या होगा 4 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ये 2 हो गया, ये आपकी इसको निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, 2x इक्वल्स टू ये तो प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट हो गया, 10 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 12 हो गया, x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, x क्या है स्पीड ऑफ द ऋतु हो गया। अब क्या होगा, x प्लस वाई 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर ये करंट का स्पीड है। तो इसी रूप से आप लोग निकाल सकते हैं, सेकंड का देखेंगे, इसका डायरेक्टली आंसर कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन को पहले कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे किस तरीका से होगा, इसको समझेंगे तो क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं। तो देखो दे रखा है, 2 वोमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, वाइल 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वोमेन एलोन एंड फिनिश टू वर्क एंड ऑल्सो टेकन बाय 1 मैन, 1 वोमेन का मान लीजिए 1 वोमेन, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वोमेन इक्वल्स टू एक्स, एक्स आवर टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन बाय वुमेन एंड मैन टू
कंप्लीट टू कंप्लीट द वर्क बी एक्स आवर एंड वाई आवर, एक्स आवर एंड वाई आवर। तो वुमेन को कितना लगता है? तो वुमेन को लगता है एक्स आवर लगता है और मैन को लगता है वाई आवर लगता है। मतलब एक्स आवर में एक बार खत्म करता है। तो इसमें क्या किया है, पहले टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन फोर डेज। एक्स आवर नहीं करेंगे, डेज करेंगे। तो मैन जब करता है एक्स डेज में काम कर लेता है, और अगर वुमेन करेगा तो एक्स डेज में करेगा, मैन करेगा तो वाई डेज में कर देगा। तो उसमें क्या होगा, टू वुमेन्स करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, फाइव मैन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, टुगेदर फिनिश इन द फोर डेज। पहला वुमेन का देखेंगे, वन वुमेन इक्वल्स टू एक्स डेज। अगर वुमेन बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेज कम हो जाएगा। टू वुमेन हो जाएंगे तो क्या होगा, एक्स बाय टू डेज हो जाएगा। इसमें ज़्यादा वुमेन हो जाएंगे तो उसमें कम डेज हो जाएगा। इसी प्रकार वन मैन वाई डेज। इस बार फर्स्ट केस में कितना मैन है, फाइव मैन कितना हुआ, वाई बाय फाइव डेज। ये दोनों मिला के हो गया फोर डेज। एक्स बाय टू प्लस वाई बाय फाइव इक्वल टू फोर, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या दे रखा है, इसी प्रकार तरीका से, वाइल थ्री वुमेन थ्री बाय एक्स बाय थ्री प्लस वाई बाय थ्री मैन, थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन क्या होगा, वाई बाय सिक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, थ्री डेज इक्वल्स टू थ्री हो गया। सेकेंड हो गया, इसको आराम से हम निकाल सकते हैं, एक्स बाय वाई निकलेगा, इसमें आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से करोगे। एक्स का वैल्यू निकलेगा, वाई का वैल्यू निकलेगा, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। थर्ड केस में देखा है, रोहिणी ट्रैवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ टाइम ट्रेन में गया, कुछ टाइम बस में गया। सी टेक्स 4 आवर्स, 300 किलोमीटर जाना है, रोहिणी ट्रैवल्स 300 किलोमीटर्स, इसको 300 किलोमीटर जाना है, तो उसमें कुछ ट्रेन में जाना है, कुछ बस में जाना है। तो कितना ट्रेन में जाना है, कितना बस में जाना है, हमको नहीं पता, कुछ आगे क्या देखा देखते हैं। लेकिन आपको ट्रैवल करना कितना है, 300 किलोमीटर्स। वो जो ट्रैवल करेगी कौन, रोहिणी, रोही जो ट्रैवल करेगा, रोही ट्रैवल करेगा और 300 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा। फर्स्ट केस में क्या हुआ, सी टेक्स 2 आवर्स इफ ट्रैवल बाय 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन में जाता है और बाकी सब बस में जाता है तो क्या होगा, उसको क्या लगेगा, 4 आवर्स लगेगा। इफ सी ट्रैवल्स, वो जो रोही अगर 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन में 100 किलोमीटर जाएगा एंड रिमेनिंग बाय द बस, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अगर 100 किलोमीटर ट्रेन में जाएगी और बाकी सब अगर बस में जाएगी तो इसमें 10 मिनट ज़्यादा लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड, इसका स्पीड आ गया। तो इसमें जो स्पीड होता है, हम क्या करेंगे, पहले तो आवर निकालेंगे, टाइम इसको कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। फर्स्ट केस में टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये जो स्पीड आ गया, दोनों का स्पीड हो गया। फर्स्ट केस में टाइम देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या हुआ, जो 300 किलोमीटर है, फर्स्ट केस में कितना हुआ, 60 किलोमीटर ट्रेन में गया, 60 किलोमीटर, तो इसमें टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट केस में कितना टाइम है, फर्स्ट जो 60 किलोमीटर ट्रेन में गया, 60 किलोमीटर ट्रेन में गया, ट्रेन में 60 किलोमीटर गया, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है 60 बाय स्पीड है, कितना है, एक्स किलोमीटर आवर, प्लस
बाकी जो 60 किलोमीटर गया बाकी कितना बचा, बाकी बचा 240 किलोमीटर्स बचा, 300 से 60 माइनस कर देंगे तो बचा 240 किलोमीटर्स को कितना स्पीड में गया, वाई स्पीड में गया, जो बस में गया बाय वाई, दिस इक्वल्स टू कितना हुआ 60 किलोमीटर ट्रेन में गया बाकी बस में गया, तो इसको लगा 4 आवर्स, इसको लगा 4 आवर्स, दिस इक्वल्स टू 4 इज फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड में देखते हैं क्या हुआ, जितना भी है टाइम लगा 10 मिनट्स, 10 मिनट्स तो कितना आवर, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा, 4 आवर 10 मिनट्स इक्वल्स टू 4 प्लस 10 बाय 60 आवर्स, दिस क्या हुआ 1/6, 4 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 25/6 आवर्स, सेकेंड केस में इतना लगा। तो सेकेंड केस में क्या हुआ, 100 किलोमीटर्स गया वो ट्रेन में, तो 100 बाय एक्स प्लस बाकी 200 बाय वाई इक्वल्स टू 25/6, ये बन गया सेकेंड। 10 मिनट ज़्यादा लगा तो 10 मिनट्स का हम इसको प्लस कर देंगे, 4 आवर प्लस 10 मिनट, 4 आवर प्लस इसको मिनट को हम आवर बना देंगे, 10/60 बन जाएगा, 10/60 बन जाने से क्या हुआ 1/6, 4 प्लस 1/6 हो गया, 25/6 आवर्स बन गया, इसको आवर बना देंगे 25/6 आवर्स बन गया। तो हम डायरेक्टली कैसे किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड बनाते हैं इसके बारे में भी हम वीडियो जारी किया जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन को हम इसको आप लोग निकालोगे इसमें इसका दोनों का स्पीड निकल जाएगा। तब तक देखते रहिए डीबी प्रोडक्शन बीजेट्स, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसका जो वीडियो को भी एंजॉय कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका वीडियो भी जारी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए देखते रहिए डीबी प्रोडक्शन बीजेट्स, धन्यवाद।